गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 6 जिसका शीर्षक है ज़िंदगी का मज़ा, इसका सारांश मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, यह पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और उनका कार्यकाल 1974 तक रहा था। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि इससे बच्चों में सही सोच व सही चीज़ों के चुनने का भावना विकसित होती है, उनमें अंतर्दृष्टि की भावना विकसित होती है, एकाग्रता, संकटों से न घबराना, परिश्रम, आत्मनियंत्रण, त्याग और सदा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, प्रस्तुत प्रेरणा प्रदर्शना में जीवन कला की कुछ व्यावहारिक बातों का अत्यंत काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जैसे सुखों का मूल्य चुकाने पर ही सुख का स्वाद मिलता है। अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत व तपस्या करते हैं और जब हमें वह चीज़ मिलती है तो हमें अत्यंत ही सुख मिलता है। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि धूप में खटने वालों को ही चांदनी का मज़ा मिलता है। तात्पर्य यह है कि जीवन को संघर्ष, परिश्रम एवं त्याग से जीने पर ही सच्चे जीवन का आनंद प्राप्त होता है। यदि हम अपने कार्य को कड़ी मेहनत, साधना व कड़ी तपस्या से अपने कार्य को करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें जो फल मिलता है उससे हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। अपनी ज़िंदगी को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रभावकारी शैली में वर्णन यहाँ किया गया है। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए जिससे कि हमें बहुत कुछ बातें सीखने का मौका मिलेगा। इस पाठ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन जीने की कला को और भी अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।